हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का रिवाइज किया जाए। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला प्रूव करा दिया था, इंटीग्रेशन सारा, मतलब फुल मैथमेटिक्स तो आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो ही गया था। तो बच्चों, चलिए डिफरेंशिएशन को एक बार रिवाइज किया जाए। डिफरेंशिएशन को रिवाइज इसलिए करने का रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के आधार पर ही आपका इंटीग्रेशन, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया बाउंडेड रीजन बहुत कुछ बनता है। इसलिए बच्चों, डिफरेंशिएशन को चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सारा फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ही, मैंने सारा फॉर्मूला भी प्रूव करवा दिया था, क्लास में बैठा के याद भी करवाया था, आप लोगों को याद है ना। तो बच्चों चलिए आइए डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का रिवाइज करते हैं। बच्चों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, और जो क्लास 11 का स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 में भी डिफरेंशिएशन का हल्का फुल्का छींटा है। तो बच्चों आइए देखते हैं, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ही, अगर नहीं याद है तो देखिए फिर से रिवाइज कराते हैं। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन इसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं बच्चों? अवकलन। तो मानते हैं बच्चों, पहला फॉर्मूला क्या बताया था लोगों को हम, कि इफ वाई बराबर एक्स की पावर एन, ये था पहला फॉर्मूला। यदि वाई बराबर एक्स की पावर एन हो, अगर इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाए, माने एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए, माने हिंदी में कहेंगे x के सापेक्ष में अवकलन किया जाए, तो क्या फॉर्मूला था बच्चों? डी वाई बाय डी एक्स का, तो डी एक्स का मान क्या है? x की पावर n बाय डी एक्स। और आप लोगों को मैंने प्रूफ भी कराया था फर्स्ट प्रिंसिपल से कि x की पावर, प्रथम सिद्धांत से प्रूफ कराया था x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, n x का पावर n माइनस वन। ये आपका डी एक्स की पावर एन बाय डी एक्स, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। समझ गए? ये फॉर्मूला बताए थे। जिसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपका वाई बराबर एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो क्या लिखते हैं बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स पर माइनस थ्री बाय डी एक्स। तो देखिए n के जगह में कितना आ गया, माइनस थ्री आ गया, मतलब क्या होता है n x पर n माइनस वन, मतलब माइनस थ्री और x पर पावर माइनस थ्री माइनस वन। तो क्या होगा बच्चों, यह होगा आपका माइनस थ्री और x पर माइनस फोर, क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस थ्री एक्स का पावर माइनस फोर, दिस इज आंसर। समझ गए बच्चों? चलिए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, जस्ट रिवीजन है बच्चों, इसलिए प्रूफ करने को काम नहीं है, मैंने सारा प्रूफ करवा दिया था। जो अब तक प्रूफ नहीं किए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवर के प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएशन में देखिए सारा फॉर्मूला वहां पर प्रूफ किया होगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों आपका, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बताएं, कॉस एक्स, ठीक है। तीन नंबर बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स, ठीक है, फॉर्मूला भूलिएगा नहीं। चार नंबर में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बाय डी एक्स क्या था बच्चों, टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, सब याद है ना कि मोबाइल में टाइम पार कर दिए, डी कॉट एक्स बाय डी एक्स, कॉट एक्स क्या था बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड कर जाइए, कॉट हो गया, क्या बचा, सेक, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या था बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
ये सब पांच नंबर था। छह नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच्चों, cosec x बाय डी एक्स, क्या था बच्चों, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का क्या था बच्चों, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे हैं। अगला बच्चों क्या था, डी ई टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स, इवन एक्सपोनेंट ई टू दी पावर, एक्सपोनेंशियल सीरीज में ई टू दी पावर एक्स, क्या होता है बच्चों, ई पर पावर एक्स, सेम वही होता है, कांस्टेंट ए पर पावर एक्स बाय डी एक्स। बच्चों यहाँ पर ए आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए के जगह में बी सी डी फोर फाइव सिक्स सेवन होगा, सिर्फ ई छोड़ के, ठीक है। सब बच्चों ए टू दी पावर एक्स क्या था, लॉग ए, क्या था बच्चों, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंस क्या था, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, लॉग है एल ओ जी लॉग ए, यहाँ बेस छुपा हुआ है ई, आप यहाँ बेस कुछ भी दे सकते हैं, ई या दस, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, और बच्चों डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, लॉग एक्स का क्या था बच्चों, डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने सब पहले ही पढ़ रखा है, जस्ट रिवीजन करने के लिए, याद दिलाने के लिए फॉर्मूला हल लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इनवर्स में भी फॉर्मूला था आप लोगों का, है ना, क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, क्या था बच्चों फॉर्मूला, वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या था, माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये जो माइनस वन क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स बोलते हैं, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है कि सब खा गए हैं, याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों सब रिवाइज करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या था बच्चों, वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही था। और उसके बाद बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या था बच्चों, माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस वन बाय अंडर रूट, पहले एक्स है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सब एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एन नहीं सोचिएगा, ठीक है बच्चों। अगला फॉर्मूला क्या था बच्चों, सम स्पेशल फॉर्मूला था, क्या था बच्चों कि इफ वाई बराबर यू इंटू वी, अगर यू इंटू वी के फॉर्म में था तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, तो डिवाइड बाय डी एक्स क्या था फॉर्मूला, यू इंटू वी के फॉर्मूला में था क्या लिखते, यू डी वी बाय डी एक्स, वी डी यू बाय डी एक्स, ये वाला वी है, ये वाला यू है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक बच्चों। सब तो पहले ही पढ़ चुके हैं आप, मान लें बच्चों ये इंटू के फॉर्म में था, अब मान लें गुना के रूप में है, यू बाय वी रहता, यहाँ यू गुना वी था, यहाँ यू बटे वी है, डिवाइड के फॉर्म में है बच्चों, तो यहाँ पर इतना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता तो क्या होता बच्चा फॉर्मूला, डीवाई बटे डी एक्स, ये वाई है, डीवाई बटे डी एक्स क्या था फॉर्मूला, वी इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाय डी एक्स, यहाँ इंटू है और बाय में क्या था बच्चों, वी स्क्वायर, क्या था बच्चों, वी का स्क्वायर था, समझ गए ना, वाई बराबर यू इंटू वी रहे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डीवाई बाय डी एक्स क्या था बच्चों, यू इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाय डी एक्स, और वाई बराबर यू बाय वी के फॉर्म में रहे, मैंने डिवाइड के फॉर्म में रहे तो dy बटे dx, ये y है, कंफ्यूज नहीं होना है, dy बाय dx क्या होगा बच्चों, v
वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई फोर नहीं सोचिएगा, यू है यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और बाय में क्या है बच्चों वी स्क्वायर। ठीक है चलिए एक दो फॉर्मूला और था शायद आप लोगों को याद है कि नहीं बताने बच्चों, पता नहीं आप लोग घर में पढ़े कि टाइम बर्बाद किए। तीन नंबर मान लीजिए वाई बराबर यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू तीन को रहता तो क्या लिखना था बच्चों डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या था डिवाइड बाय डीएक्स का फॉर्मूला एक दो तीन को है हर एक दो दो का जोड़ा बनाएंगे यू भी डी डब्ल्यू बाय डी एक्स यू भी डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस अब जी भी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स कितना यू है प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाय डी एक्स यू डब्ल्यू डी वी बाय dx u v w के फॉर्म में रहे तो फॉर्मूला क्या था बच्चों डिवाइड बाय dx का u v into dw by dx plus v w du by dx plus u w dv by dx यही था बच्चों। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए और क्या था बच्चों कुछ स्पेशल केस मान लीजिए ऐसे आपका है d sin ax by dx d sin ax by dx होता बच्चों तो क्या होता फॉर्मूला sin x का तो आप जानते ही है क्या होता cos x यहां x के बदले में ax है एंगल में ax था ax नहीं और इसमें बच्चों क्या कर किए थे कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको इनटू कर देते हैं। ठीक है ना जब पढ़िएगा चेन रूल तो ये डायरेक्ट इतना याद करने का है लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो साइन ए एक्स का है तो साइन का फॉर्मूला कॉस होता है कॉस लिख देंगे जो एंगल वही एंगल देना है और एक्स के साथ में जो रहेगा उसको इनटू कर देना। ठीक है बच्चों और क्या मान लीजिए आपको ई पर पावर यहाँ मान लीजिए बी एक्स है और डी एक्स ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या करेंगे एक्स के साथ में क्या है बी है बी को इनटू कर देंगे और ई पर पावर एक्स का तो सेम फॉर्मूला होता है वही उतार देना है। ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा मान लीजिए आपका बच्चों यहाँ पर है tan x by 2 और ds करना था तो tan का फॉर्मूला क्या था बच्चों sec स्क्वायर x तो हम क्या लिखते थे sec स्क्वायर x लिखेंगे आप देखिए x का कोएफिशिएंट बाय में 2 है मतलब ये 1 by 2 है ऊपर में 1 है यहाँ 2 है मतलब 1 by 2 से इसको इंटू कर देंगे समझ में आ रहा बच्चों। ठीक है रिवाइज हो रहा है बस उतना डिटेल नहीं जाना सिर्फ रिवीजन ध्यान दीजिएगा मान लीजिए डी साइन माइनस थ्री एक्स बाय फोर तो क्या करते बच्चों उसका ऑब्जेक्टिव में आगा कर लिए माइनस थ्री बाय फोर लिख देना है आपको पहले और साइन का फॉर्मूला क्या था कॉस एक्स तो कॉस कितना बच्चों माइनस थ्री एक्स बाय फोर दिस इज योर आंसर समझे बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को आज रिवाइज के बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में सवाल पर आएंगे सवाल को रिवाइज कराएंगे टिल देन गुड बाय बाय।